चलो सबसे आगे। जब हमने कैलाश के अवधू, मेवात के मलंग, सलमान अली के साथ 2 मिनट बिताए तो हमें उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। क्या है वो रूप, चलिए देखते हैं। पहले मेरी बहुत बहुत ही बेकार भाषा थी और मुझे मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं थे जो मैं अच्छा पहन पाऊँ, और इस शो ने मुझे इतना अच्छा बना दिया, मेरा पूरा लुक बदल दिया और मुझे इतने अच्छे कपड़े मिलते हैं और मेरी भाषा चेंज हो गई है और मेरे गांव में इतनी इज्जत बढ़ गई है मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त यहाँ पर है, वो है नितिन। नितिन एक ऐसा लड़का है जो बहुत ही अच्छा, जो मुझसे इतना प्यार करता है बहुत ज़्यादा, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और नहीं, मैं बाकी को किसी को नहीं मानता, नितिन ही है जो टक्कर दे सकता है। मेरे हिसाब से बर्नाली होता को आगे तक नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो अच्छा नहीं गाते। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरा बच्चा किसी मतलब कि शो वगैरह करे और मैं जागरण में गाऊँ, तो मैं गाने के लिए एक गाने के लिए मैं जाता था कि मुझे कोई गवाए, और मैं जब मुझे कोई नहीं गवाता था कि मैं प्लीज़ भैया, मैं हमेशा पूरी रात मेरी ऐसी कर देती थी कि मुझे गवाओ गवाओ, मगर मुझे कोई नहीं गवाता था। मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ, और मैं रोज़ाना मिस करता हूँ अपनी मम्मी को, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी याद बहुत आती है। ये शो जीतना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस शो से मेरा खानदान का नाम भी रोशन होगा और मेरा खुद का नाम रोशन होगा, मेरे माँ बापों का नाम, और जो मेरे दादाजी का सपना है वो नाम रोशन होगा ज़रूर। अच्छा एक बात बताओ, तुम और नितिन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो,
और एक दूसरे को सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी मानते हो, मतलब और कोई नहीं है रास्ते में? बच्चे तो सभी अच्छे गाते हैं, मगर मैं ज़्यादा खास तौर पर नितिन को मानता हूँ अपने। क्या बात है मेरे शेर, ऐसे ही रहना जिंदगी भर, तुम मेरे अवधु हो, जो दिल में है वही बक्कारना, चाहे आन पे आए या शान पे आए। तो सलमान, गुरु से पूछते हैं। गुरु अदनान। सलमान बच्चे, बहुत अच्छा कहा आपने। मुझे कुछ जगहों पे जो नीचे के सुर थे वो थोड़े से हल्के लगे, मगर जो आपने खास तौर पे जब आखिर में जो आपने आलाप लिया, बहुत खूबसूरत था, नहायत ही खूबसूरत था। वेरी वेरी नाइस। और बैंड ऑफ दू फैबुलस। सलमान, आज का गाना मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, और इस गाने का जो मुखड़ा है उसका जो साइन लाइन आपने गाया थोड़ा अलग गाया। जैसे एक मिनट आप सुर दीजिएगा प्लीज़, गाइए आप। तू ही तू, तू ही तू सतरंगी रे, सत सतरंगी रे, ये है वो। मुझे थोड़ा सा ना, क्योंकि इस गाने की जो जान है, इस कॉम्पोजिशन की जो जान है ना, अगर इस तरह से ना गाया जाए ना तो ये कॉम्पोजिशन हल्की लगती है। मुझे ऐसा लगा कि आज का जो परफॉर्मेंस है वो आपके जो बाकी परफॉर्मेंसेस हुए हैं उससे थोड़ा वीक था। गुरु कैलाश, क्या आज आप सलमान को लेके चिंतित हैं? जिंदगी में नहीं, मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ। और विशेष तौर से ये जो अपना सलमान है, मेरे दाता ने चाहा तो ये विनर बनेगा, ये देखिएगा आप। और मैं अदनान साहब आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, आपने बताया था कि नीचे के सुर इनके थोड़ा कमज़ोर, नीचे के तो ज़्यादातर सुर कमज़ोर ही लगते हैं दुनिया के। वो तो ठीक है, लेकिन इसके जो हैं हमेशा तगड़े लगे। वो सर मेरे नीचे के जो सुर थे वो ऐसे लग रहे थे क्योंकि मैंने अपना हाफ स्केल डाउन करवाया था, क्योंकि आज मेरा गला कुछ जुकाम की वजह से कुछ भारी भारी से बोल रहा था, तो इसलिए मैंने अपना गला वो मतलब स्केल नीचे। अरे बावले, ये बात बताने की नहीं हुआ कर दी। वैसे नितिन कुछ कहना चाहता है इस पर? नितिन हेलो सर, एक बात बताना चाहूँगा कि थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर सर। आज हम दोनों का सर जो गला था सर, एक साथ ही जब हम सुबह आ रहे हैं तो दोनों का एक साथ ही गला बैठा है सर। अरे गले उठ जाएंगे, क्या बात कर रहे हो, ये गला बैठने की बातें मत किया करो। लोग शोर मचा रहे हैं आप दोनों के बारे में, आप ऐसे घबराओ ना मत बिल्कुल, और ये बातें कभी करना नहीं, गला बैठा गला बैठा। हाँ। अब क्या सब कुछ साथ ही करोगे, दोस्त हो तो? गला भी बिठा रहे साथ ही। मैं दोस्त का, मैं भाई मेरा ज्यादा है। अरे क्या बात है, वाह वाह नितिन, क्या बात है, जियो। तो महागुरु सलमान और दिनों से थोड़ा ढीला था, वो पता चल रहा था, बट अदरवाइज ही इज वेरी वेरी गुड, ही इज ऑसम, एक्सीलेंट। तो अब बढ़ते हैं रिपोर्ट कार्ड की तरफ। तो जनता से आए हुए आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखा है, आप पास हो गए हो। अरे कमोर यार, पास हो गए। सलमान जय बाबू, आपने हमें डरा दिया था आज। ज्यादातर हम डरते नहीं है, लेकिन आपने अचानक सांसें रोक दी थी। सर चीते और भी हैं। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं हम। सलमान थैंक यू सो मच, प्लीज अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए। सबसे आगे